सामने जो ये प्लांट लाए हैं ये एग्लोनीमा का लिपस्टिक वैरायटी प्लांट है, पिंक वेरिगेशन इसमें आता है। ये एक ड्वार्फ वैरायटी है, इसको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, तो ये जिस पॉट में लगा हुआ है वही सही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप देख सकते हैं जो आप दिख रहा है, ये रेड सॉइल में लगा हुआ है जो कि नर्सरी सॉइल होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्लेई होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन है। और क्योंकि एग्लोनीमा एक इंडोर वैरायटी है तो ज़्यादा ऐसे सॉइल में इसको लगाना ठीक नहीं जो कि वाटर रिटेन करता हो, तो इसलिए हमें इसका सॉइल चेंज करना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक दूसरा प्लांट इसी साइज़ का ले लिया है, जिसमें कि मैं अपना नॉर्मल गार्डन सॉइल में इसकी रिपोर्टिंग करूँगा। पहले इसको इसमें से निकालना कैसे है, इसको साइड से थोड़ा थोड़ा दबा के आप लूज़ कर लें सॉइल को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, क्लेई सॉइल है, इसको बिल्कुल भी आप खींचे नहीं। और ये इससे थोड़ा थोड़ा सा इसको टैप करेंगे तो ये लूज़ होना शुरू हो जाएगा, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है इसमें। साइड से इसको दबाते रहें और रोटेट करते रहें, तो ये देखिए हमारा आसानी से ये प्लांट निकल आया। और ये देखिए इसकी रूट आर्किटेक्चर कितना अच्छा है, ये रूट बाउंड हो चुका था, तो पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इसको इसी साइज़ के पॉट में लगाऊंगा, लेकिन इसका रूट साइज़ देख के अब मुझे लग रहा है कि मुझे ये बड़े पॉट में लगाना पड़ेगा। तो इसका पहले हमें ये सॉइल पूरा लूज़ करना पड़ेगा, और इसकी ये देखिए बास्केट भी है, ये बास्केट भी हमें रिमूव करनी पड़ेगी। तो मैं इसमें से थोड़ा सॉइल लूज़ करके और फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमने इसका काफ़ी ज़्यादा सॉइल लूज़ कर लिया है, और अभी बाकी सॉइल हम ऐसे लूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है। इसको हम क्या करेंगे, एक पानी की बास्केट में ज़रा सा डाल देंगे ताकि ये लूज़ हो जाए, और इसमें पानी थोड़ा कम है अभी, इसमें हम और पानी डालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें से ये सॉइल लूज़ होने लगेगा, और ये प्लांट की रूट्स को छोड़ देगा, थोड़ी देर इसमें वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये देखिए हमने इसकी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो है वो निकाल दी है, और अभी ये जो बास्केट इसमें रूट्स में है ये हम बास्केट काट के निकाल देते हैं इसको। बहुत ही आराम से ये निकालना होगा आपको, क्योंकि कोई भी रूट नहीं कटनी चाहिए। के देखिए तो ये प्लांट हमारा यहाँ रेडी है रिपोर्टिंग के लिए। चलिए इसकी रिपोर्टिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको अपना जो है वो प्लांट को की रूट्स को सेट करेंगे। क्योंकि ये एक बास्केट में लगी हुई थी तो ये रूट्स का जो शेप है वो एक केज की फॉर्म में है, तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम उसको वही शेप देंगे।
ही हमने इसकी रिपोर्टिंग कंप्लीट कर दी है और ये इसकी सॉइल को भी हमने पूरी तरह से एडजस्ट कर दिया है। रूट्स को थोड़े सा रूट्स इसकी एक्सपोज हुई हैं तो उसके बाद प्लांट थोड़ा सा शॉक में आ सकता है, हो सकता है थोड़ा सा लीफ ड्रॉप हो, तो उस शॉक को आप मिनिमाइज़ करने के लिए कर सकते हैं जब इसमें पानी दें उसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल दें फर्स्ट वाटरिंग में, तो एप्सम सॉल्ट जो है प्लांट को शॉक में आने से थोड़ा रिलीफ देता है। तो ये देखिए ये इसकी एग्लोनीमा की ड्वार्फ वैरायटी की रिपोर्टिंग हमने करी। तो अगली वीडियो में हम आपके साथ एक और नया प्लांट लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय।